हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, प्रियंका ओन मीना 18,000। ओके, प्रियंका को मीना को कुछ पैसे देने हैं स्टूडेंट। कितने देने? 18,000। ओके, तो प्रियंका को देने हैं तो प्रियंका कौन हो गई स्टूडेंट? द्रव्य हो गई अपनी। प्रियंका कौन हो गई? ठीक है, इसमें द्रव्य हो जाएगी स्टूडेंट। कौन हो जाएगी? द्रव्य, क्योंकि प्रियंका को कुछ पैसे देने हैं। बराबर, तो प्रियंका अपनी द्रव्य और मीना दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? ड्रॉवर। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवर कौन है। ओके, प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मीना। मीना बिल ड्रॉ करती है, मीना बिल ड्रॉ करती है और वो प्रियंका, सॉरी, मीना बिल ड्रॉ करती है और वो प्रियंका को देती है। ठीक है, और प्रियंका उसे एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देती है। ओके स्टूडेंट, प्रियंका उसे एक्सेप्ट करके क्या करती है? रिटर्न कर देती है। तो ये दिया हुआ है, आगे दिखा है मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर, और वही बिल मीना क्या करती है? सागर को एंडोर्स कर देती है। बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। स्टूडेंट, रिन्यूअल वर्ड आती है आपको क्या याद आना चाहिए? डिपिन याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए स्टूडेंट? डिपिन, करेक्ट, रिन्यू। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अभी DIPN, हमें ये एंट्री पास करनी है DIPN, ये पूरी एंट्री पास करनी है चारों भी। ठीक है, रिन्यू वर्ड दिखते हैं। ओके, मीना एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट 6,000 टू बी पेड इमीडिएटली। तो ये पार्ट पेमेंट का इन्फॉर्मेशन दिया, 6,000 इमीडिएटली पे करना पड़ेगा टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट 8% पर एनम फॉर 300। तो इंटरेस्ट के लिए आप इन्फॉर्मेशन दिया हुआ स्टूडेंट, इंटरेस्ट जो होगा वो कैसे लगेगा? 8% पर एनम फॉर 3 मंथ, इस हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट का एंट्री हो गया। एंड प्रियंका शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट, और जो भी बैलेंस अमाउंट होगा स्टूडेंट उसके लिए न्यू बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड हो गया, इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पार्ट पेमेंट का भी दिया हुआ है, और जो बैलेंस बचेगा उसका हमें न्यू बिल एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा DIPN का जो एंट्री है अपना यहाँ पे कवर्ड होता है। ठीक है, इतने ये पॉइंट तक। आगे लिखा हुआ है दिस अरेंजमेंट वेयर कैरिड थ्रू, हाउएवर बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% ऑफ द अमाउंट कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज एस्टेट। खाली 50% अमाउंट हमें रिकवरी हुआ स्टूडेंट। ठीक है, गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीना। स्टूडेंट, मीना की बुक में हमें जनरल एंट्री पास करने बोला हुआ है, एक ही चीज़ बोला हुआ है जो कि है जनरल एंट्री पास करना इन द बुक्स ऑफ मीना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया प्रियंका ओव मीना 18,000। प्रियंका को मीना को कुछ पैसे देने, 18,000 देने प्रियंका को। ठीक है, प्रियंका जिसके लिए मीना क्या करती है स्टूडेंट? बिल ड्रॉ करती है, वो बिल ड्रॉ करके इसे हैंड ओवर कर देती है प्रियंका को। ठीक है, प्रियंका उस बिल को साइन करके रिटर्न कर देती है। ठीक है, तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देख रहे हैं तो दो अकाउंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बिल रिसीवेबल डेबिट व्हाट कम्स इन, और प्रियंका अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। स्टूडेंट, यहाँ पे कोई डेट वगैरह नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके ही सब मेंशन करेंगे। ठीक है, तो पहला एंट्री क्या मैंने आपको बताया? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर की बुक में करना है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। ओके, अमाउंट 18,000। ठीक है, बींग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेकेंड एंट्री में सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ, जो बिल था वो क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया स्टूडेंट, ट्रांसफर की एंट्री। बिल हमने क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। बिल हमने क्या कर दिया? एंडोर्स। तो एंडोर्स की एंट्री क्या आएगा स्टूडेंट? एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंडोसी का नाम क्या दिया स्टूडेंट यहाँ पे? सागर। ठीक है, सागर। ओके, तो ये सागर को हमने क्या कर दिया? दे दिया। तो एंडोसी अकाउंट डेबिट, सागर अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बिल जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सागर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्स का एंट्री, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सेकेंड एंट्री, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 18,000। ठीक है, नरेशन, बिंग बिल एंडोर्स इन फेवर ऑफ सागर। ठीक है, हमने सागर के फेवर में बिल एंडोर्स कर दिया। फर्दर मेंशन किया, बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल। स्टूडेंट, रिन्यू के लिए अप्रोच किया, अभी जैसे रिन्यू के लिए वर्ड अप्रोच किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये जो एंडोर्स बिल है वो अभी क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड हो गया। बराबर ना, क्योंकि प्रियंका रिन्यूअल के लिए डिमांड कर रही है। ओके,
तो ये बिल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिसऑनर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा बिल डिसऑनर्ड हुआ, जो हमने एंडोर्स किया था, एंडोर्स बिल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो वो केस में हम जो एंट्री पास करेंगे वो है प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, ओके, रवि अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट जो कि, ठीक है, तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, ये एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड का एंट्री स्टूडेंट। अमाउंट आएगा 18,000, 18,000 बिंग बिल कैंसिल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रियंका, ओके। तो चलिए ये भी हमने एंट्री पास कर ली, डी हो गया अपना। नेक्स्ट है आई, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, चलिए इंटरेस्ट का एंट्री पास करते हैं। तो अभी स्टूडेंट मीना क्या करेगी, प्रियंका को एक्स्ट्रा टाइम देगी बरोबर पेमेंट के लिए, तो एक्स्ट्रा टाइम कौन रिसीव करा, प्रियंका, डेबिट द रिसीवर, और स्टूडेंट जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, मीना के लिए इनकम होगा, क्या होगा मीना के लिए, क्या होगा स्टूडेंट, इनकम होगा, करेक्ट। तो डेबिट द रिसीवर एक्स्ट्रा टाइम रिसीव करने वाली प्रियंका, तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो प्रियंका अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो अपना फोर्थ एंट्री क्या होगा, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट, करेक्ट। तो चलिए अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहला कितना अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, डेफिनेटली जो बैलेंस है वो 18,000 का बिल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000 का बिल है, 18 में से 6,000 तो वो इमीडिएटली पे कर देगी, तो बचा कितना स्टूडेंट 12,000 बरोबर। तो सबसे पहला बिल अमाउंट कितना न्यू बिल होगा, 12,000 का नया बिल का अमाउंट होगा, करेक्ट। नेक्स्ट जो क्या बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ 8%, तो 8% हो गया। टाइम पीरियड दिया हुआ 3 मंथ, तो जो टर्म दिया हुआ स्टूडेंट वो कित सॉरी जो टर्म दिया हुआ वो कितना है अपना 3 मंथ, 3 मंथ कम्स टू 1/4 बरोबर, 3 डिवाइड बाई 12 गिव्स मी 1/4, ओके। तो चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, जो इंटरेस्ट आएगा स्टूडेंट वो क्या होगा 240, कैसे आया 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 1/4, जिसे सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 240, कितना मिलेगा स्टूडेंट 240। तो चलिए इसे नोट कर लेते 240 और 240, ओके, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फॉर बैलेंस अमाउंट ड्यू, डी हो गया अपना स्टूडेंट। आई हो गया नेक्स्ट अपना पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट क्या बोला हुआ 6,000 पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट, तो 6,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 240, तो 6,240 पे करेगी प्रियंका, कितना पे करेगी 6,240 पे करेगी। तो अगर हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और इसे कौन दे रहा है प्रियंका, क्रेडिट द गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, तो पांचवा एंट्री स्टेटमेंट अपना ये कैश अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पे 6,240, 6,240 बिंग पार्ट पेमेंट मेड अलोंग विथ इंटरेस्ट, ओके स्टूडेंट। तो चलिए आगे देखते हैं, और जो बैलेंस अमाउंट जो है बचा स्टूडेंट उसके लिए प्रियंका क्या करेगी, न्यू बिल एक्सेप्ट करेगी, बैलेंस अमाउंट कितना बचा अपना 12,000, तो स्टूडेंट वापस से मीना क्या करेगी, बिल ड्रॉ करेगी, प्रियंका को दे देगी एक्सेप्टेंस के लिए, प्रियंका उसे साइन करेगी और रिटर्न कर देगी। स्टूडेंट ये केस में जो एंट्री आएगा एक्सेप्टेंस का न्यू बिल का वो क्या, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट डॉट कॉम सिन टू प्रियंका अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ओके। तो न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, छठा ट्रांजेक्शन अपना ये, करेक्ट, न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 12,000, 12,000, ठीक है, बिंग न्यू बिल ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ओके। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है स्टूडेंट, कि ऐसे ही चलता रहा और प्रियंका क्या बन गई, इंसॉल्वेंट बन गई, ड्रॉ भी क्या बन गई स्टूडेंट इंसॉल्वेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी इंसॉल्वेंट वर्ड देखेगा तो आपको दो एंट्री पास करना है, सबसे पहला डिसऑनर्ड स्टूडेंट। अभी ये बिल का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, कोई ट्रांसफर हुआ है ये बिल, नहीं, ये ट्रांसफर अभी भी मीना के पास ही रिटेन है, तो मतलब रिटेन बिल क्या हो गया स्टूडेंट डिसऑनर्ड हो गया, रिटेन बिल डिसऑनर्ड होता तो स्टूडेंट एंट्री क्या आती है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, या फिर एक्सेप्टेंस का उल्टा, ठीक है, जब भी रिटर्न बिल डिसऑनर्ड होगा तो एक्सेप्टेंस का उल्टा होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए एंट्री पास कर देते हैं हम लोग, सेवेंथ एंट्री जो कि है प्रियंका अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल रिसीवेबल 12,000, 12,000 बिंग न्यू बिल डिसऑनर्ड और नॉन पेमेंट, ठीक है ना, और इंसॉल्वेंसी हुआ 50% ही रिकवर हुआ, तो 12,000 का 6,000 ही मिला स्टूडेंट। अभी यहाँ पे जो अकाउंट आएगा, जो बैलेंस है, जब
यूनिट आएगा तो प्रियंका की प्रॉपर्टी से हमें कितना मिलेगा, 6,000 रुपीज़ मिलेगा। तो कौन कौन सा अकाउंट आएगा स्टूडेंट, कैश अकाउंट, बरोबर पैसे आए। सेकंड किसने दिए, वो प्रियंका ने दिए, प्रियंका अकाउंट, ठीक है। और अपना कुछ पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया, क्या हो गया, सॉरी बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, देखते सबसे पहले कैश आया मीना के पास, तो डेबिट वर्ड कम सीन। प्रियंका कौन है स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। बैड डेब्ट्स अपना क्या हो गया, नुकसान हो गया, डेबिट वाला एक्सपेंसिज है लॉसेस, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रियंका, अपना ये लास्ट एंट्री क्या है अपना स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट, ओके। अमाउंट प्रियंका से कितना रिकवर करना था, 12। कैश कितना मिला, 6,000। बैड डेब्ट्स कितना हुआ, 6,000, ठीक है। नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी, ओके। टोटल कम्स टू 96,480, 96,480। और स्टूडेंट अपना सम कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।